आप लोग को अगर अपना गांव का तरक्की चाहते हैं, अपना क्षेत्र का तरक्की चाहते हैं, अपना तरक्की चाहते हैं, तो आप लोग को सही और गलत को गलत बोलना होगा और गरीब को मदद करना होगा। गरीब को आप मदद नहीं कीजिएगा तो आपका भी कोई मदद करेगा क्या? नहीं। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज दिनांक 4 जनवरी 2022 को दुर्गा सोरेन सेना की बैठक बड़कागांव ब्लॉक ग्राउंड कैंपस में सुरेश शाह की अध्यक्षता और संचालन जिला प्रभारी सदानंद सिंह जी ने किया। इस बैठक में बड़कागांव प्रखंड कमेटी का गठन किया गया जिसमें कित व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्य पर्यवेक्षक बीरसा हांसदा, जिला प्रभारी सदानंद सिंह, जिला मुख्य संयोजक फिरोज खान, केंद्र कमेटी के सदस्यों में संतोष नायक, धनेश्वर गंजू, गौरी देवी, अनिमा कुजूर समेत बड़कागांव के विभिन्न गांवों से सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज की प्रखंड कार्यकारिणी की इस बैठक में दुर्गा सोरेन सेना के प्रखंड कार्यकारी कमेटी का विस्तार किया गया जिसमें मुख्य रूप से चेपा कला की सुनीता देवी को महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं बड़कागांव से उपेंद्र कुमार को संगठन का महासचिव बनाया गया और रंजीत कुमार को प्रखंड कमेटी का प्रखंड अध्यक्ष घोषित किया गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कई पद लोगों को दिए गए। मुख्य रूप से दुर्गा सोरेन सेना में जो बातें कही गई वो ये था कि दुर्गा सोरेन सेना झारखंड के गरीब गुरबे, दबे कुचले और जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आगे रहेगी और हम हर गरीब को, हर असहाय को, हर उपेक्षित लोगों को मदद करेंगे। हमें जहां बुलाया जाएगा, जिसे समस्या होगी वहां हम लोग तत्पर रहेंगे, पहुंचेंगे। सुनिए संगठन के लोगों ने क्या कहा। कोयला आपका, जमीन आपका, लेकिन कमाई किसी और का, तो ये चीज कब तक आखिर? जब तक हम और आप यूनाइट नहीं है तब तक। आज हम लोग दुर्गा सोरेन सेना उस पूंजीपति के खिलाफ है जो आज तक यहाँ का गरीब जनता हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, दलित है, कमजोर वर्ग है, जितने भी लोग हैं सरकार के साथ मिली भगत कर आज हम लोग का यहाँ का सारा जमीन को लूट ले रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, न सही किसी प्रकार का हम लोग को सुविधा। झारखंड जो है खनिज संपदा में संपन्न है, खनिज संपदा में संपन्न होने के बाद भी सबसे गरीबी रेखा में राज्य हमारा तीसरा नंबर में राज्य आ रहा है। अरे ये परी।